हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ मैं एक और नई क्रंच वीडियो के साथ, जिसमें आज हम क्रंच करने वाले हैं अपने ये बनाई हुई स्लेट पेंसिल की लॉलीपॉप्स। ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल भी पता वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, जितना मिला मैं उसमें बना लेती हूँ। तो ये देखो कुछ इस टाइप की हो गई हैं। इनके ऊपर जो मैंने क्रम्बल्स वगैरह जो डाले हुए थे और जो पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा छड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, अच्छे से मतलब इसमें सेटल नहीं हो पाए। चलिए क्रंच स्टार्ट करते हैं।
अभी मैं क्रंच किए जा रही थी और वीडियो पॉज हो गई थी, पता ही नहीं चला। खत्म, सब खत्म हो गया। बहुत टेस्टी था, मतलब जो मैंने पेस्ट बनाया था ना उसकी आवाज़ तो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं आई होगी, जाहिर सी बात है, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। यमी और अर्दी मिला दिया, बहुत ज़्यादा यमी और अर्दी था, बहुत टेस्टी। मतलब जो उसमें मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स सभी सारी स्लेट पेंसिल्स के फ्लेवर डाले थे ना, रेड के भी, ब्लैक के भी, वाइट के भी, चिप्स भी था उसमें, सबका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी थे। और स्लेट पेंसिल्स तो मेरी फेवरेट हैंग हो, तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत क्रीमी थी, मतलब बता नहीं पा रही, बहुत अच्छा टेस्ट था उनका। और लास्ट में गाइस, ये सिर्फ मेरी क्रंच वीडियोज़ होती हैं, मैं क्रंच करने के बाद उन्हें स्पिट कर देती हूँ, स्वेलो वीडियो नहीं होती हैं, तो आप लोग इन्हें स्वेलो बिल्कुल भी मत समझिएगा। ओवरऑल टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने सिर्फ क्रंच किया है, आप लोग या तो वीडियो एंजॉय किया करें या सिर्फ क्रंच किया करें, लेकिन इसको स्वेलो बिल्कुल भी ना किया करें, ये हार्मफुल होती है हमारे लिए। और आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो के लिए कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।